क्या हुआ जब एक हिंदू ने चढ़ाया मक्का में गंगा जल और दूध? फिर क्या हुआ जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। सऊदी अरब में मौजूद मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हर मुस्लिम की यही दिल की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में मक्का मदीना एक बार जरूर जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम के मुताबिक प्रत्येक मुस्लिम को अपने जीवन में एक ना एक बार मक्का मदीना का दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना उनके कर्तव्य अधूरे रह जाते हैं। मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पवित्र मक्का मदीना की पावन जमीन से ही पवित्र इस्लामिक ग्रंथ यानी कि आसमानी किताब कुरान शरीफ उतरा था। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और हर साल लाखों लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके साथ वाली घंटी को प्रेस कर लें। मक्का में ये जो आप क्यूब के आकार का काबा देख रहे हैं, इसकी हज यात्री 7 बार परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर ही अल्लाह को हज यात्रा मंजूर होती है। जलवायु की दृष्टि से सऊदी अरब में मौजूद ये स्थान सबसे गर्म रेगिस्तान के बीचों बीच में है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि सऊदी अरब की ज्यादातर जमीनें अन उपजाऊ है, जहां हर साल ना के बराबर बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां रेगिस्तान के बीचों बीच में एक कुआं मौजूद है जिसे जमजम कहा जाता है। इस कुएं पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर इस कुएं में पानी आता कहां से है। अगर बात करें काबा के इतिहास की कि आखिर काबा को किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, तो इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार काबा को खुदा के हुक्म पर ही बनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुदा ने इब्राहिम से उसकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी थी। उसके बाद हजरत इब्राहिम ने बिना कुछ सोच विचार किए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, मगर जब खुदा ने देखा कि इब्राहिम ने बिना कुछ सोच विचार किए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, तो खुदा ने हजरत इब्राहिम को पैगंबर बनाया और साथ ही उनके लिए घर भी बनवाया। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जैसे काबा की जमीन है, ठीक वैसी ही जमीन जन्नत में भी मौजूद है। यहाँ रोज 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, मगर काबा का निर्माण एक बार, दो बार नहीं बल्कि कई बार किया जा चुका है। बताया जाता है कि काबा कभी किसी आपदा की वजह से तो कभी किसी आक्रमण की वजह से नुकसान का शिकार होता रहा है, जिस वजह से इसे बार बार बनवाना पड़ा। आज इस तस्वीर में जिस काबा को आप देख रहे हैं, असल में ये पहले ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि आखिरी बार 1996 में इसमें बदलाव किया गया था। वैसे जब आखिरी बार इसमें बदलाव किया गया, उस दौरान इसमें बहुत सारी मॉडर्न चीजों को भी यूज किया गया और इसे कुछ इस कदर बनाया गया कि कोई भी आपदा इसको छू ना सके। जैसे पहले ही हम बता चुके हैं कि कई बार काबा को बनाया जा चुका है, मगर इसके बारे में खुदा ने कहा है कि काबा के पुनः निर्माण में जो भी पैसा इस्तेमाल किया जाएगा वो केवल पवित्र जगह से आने वाला पैसा ही होना चाहिए। यही कारण है कि काबा अब तक सोने का नहीं बन पाया है, जबकि कई अमीर लोग काबा को सोने का बनवाना चाहते हैं, मगर वो बनवा नहीं सकते क्योंकि उनके पैसे पवित्र तरीके से नहीं लाए गए थे। जब खुदा भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा कि उसके बंदे थोड़ा सा भी पैसा ईमानदारी का नहीं रखते हैं। आपको बता दें कि काबा को कुछ और ही आकार में रखना था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इस छोटे से क्यूब का रूप बदल दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले काबा में 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। पहला दरवाजा अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए लगाया गया था, मगर जब दोबारा काबा का निर्माण किया गया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 ही दरवाजा लगाया गया। इसके अलावा कोई खिड़की भी नहीं लगाई गई। एक वक्त था जब काबा पूरा का पूरा रंगीन हुआ करता था। आज यहाँ काबा काले रंग का है, तो वही एक वक्त में काबा का कलर लाल, हरा और सफेद रंग का हुआ करता था, क्योंकि ये घाटी के बेहद निचले हिस्से में मौजूद है, इसलिए बारिश के मौसम में अक्सर पानी यहाँ भर जाया करता था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं होती थी। साथ ही ये पानी कितना ही क्यों ना भर जाए, यहाँ का माहौल कभी खराब नहीं होता था। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना ही पानी क्यों ना भर जाए, मगर लोग तहर कर भी काबा की परिक्रमा करने को तैयार रहते थे।
हालांकि बहुत सारे बदलाव यहाँ किए गए जिसके कारण अब ऐसी किसी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपको बता दें कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जंग के दौरान काबा का काला पत्थर इजरायली अपने साथ लेकर चले गए थे। हालांकि बाद में इसे हासिल किया गया, लेकिन जब इसे हासिल किया गया तो इसके कई टुकड़े हो चुके थे और इस काले पत्थर के कई टुकड़े आज तक भी नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा इस काबा की चाबी साहिबा परिवार के पास रहती है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी काबा में दाखिल नहीं हो सकता, फिर चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान ही क्यों ना हो। इसलिए काबा के अंदर जाने से पहले साहिबा परिवार से अनुमति लेनी पड़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं मक्का शहर में मौजूद कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी के बारे में। यहाँ सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये है कि ये कुआं एक मरुस्थल में बना हुआ है। इस कुएं में रोजाना हजारों लोग पानी निकालते हैं। यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि रेगिस्तान में बने इस कुएं का पानी ना तो कभी खत्म हुआ है और ना ही कभी सूखा है। कहानियों की माने तो आज से हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर किसी काम के लिए चले गए और उसी दौरान पैगंबर हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल को जोर से प्यास लगी, लेकिन रेगिस्तान में होने के कारण पानी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। प्यास से परेशान होकर पैगंबर हजरत के बेटे हजरत इस्माइल रेगिस्तान में अपनी एड़ियां रगड़ने लगे और इसी दौरान कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो आज तक लोगों को हैरान करने को मजबूर है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जिस जगह पर हजरत इस्माइल प्यास की वजह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी निकलने लगा और बाद में इसी जगह पर एक कुएं का निर्माण करवाया गया और उसी कुएं के पानी को जमजम का पानी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये पानी गंगा जल की तरह है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने के लायक नहीं समझते और यही कारण था कि आज से करीब 40 साल पहले एक रिसर्च टीम ने जमजम के पानी पर रिसर्च की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1978 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस की एक रिपोर्ट में लिखते हुए कहा कि इस कुएं का पानी किसी के भी पीने के लायक नहीं है क्योंकि मक्का समुद्र तल से काफी नीचे है। साथ ही ये कुआं मक्का शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से होकर इस कुएं तक आता है। बहुत सारे बैक्टीरिया इस पानी को दूषित कर देते हैं। कहते हैं ये रिपोर्ट इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इस पानी को लैब में चेक करने के लिए भेजा गया। इसके बाद जब लैब की रिपोर्ट आई तो इसने लोगों को हैरान कर दिया क्योंकि जो बात डॉक्टर ने कही थी वो बिल्कुल सच निकली कि शहर का गंदा पानी इस कुएं में जाकर मिलता है, मगर वो गंदा पानी इसे दूषित नहीं कर पाता। इसके अलावा एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम इतना ज्यादा है कि अगर कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति इस पानी को पिए तो एकदम से तंदुरुस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस पानी में फ्लोराइड भी पाया जाता है जो हमारे शरीर में कीटनाशक का काम करता है। यही कारण है कि यहाँ आए हुए लोग कुछ भी करना भूल सकते हैं, मगर ये पानी को पीना वो कभी नहीं भूलते और इस पानी को भर कर अपने घर भी ले जाते हैं। अब बात करते हैं कि मक्का में हिंदू क्यों नहीं जा सकते और अगर वहाँ चले गए तो क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो काबा के अंदर उसे जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है। वो जो सच्चे मन से अल्लाह पर विश्वास नहीं करते उन्हें काबा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की अनुमति है जो बिल्कुल सच्चे मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या आप अपने घर में उस इंसान को आने की इजाजत देंगे जिसके मन में आपके लिए बिल्कुल भी इज्जत ना हो और वो आपका बिल्कुल भी सम्मान ना करता हो। मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को आप अपने से दूर रखना ही पसंद करेंगे। आप ये चाहेंगे कि आपके घर के अंदर जो कोई आए वो कम से कम आपकी इज्जत तो जरूर करता हो। ठीक ऐसा ही इस्लाम के मानने वाले लोगों का भी कहना है। जो भी मक्का के अंदर आए वो अल्लाह को सच्चे मन से माने, उसके लिए अल्लाह सबसे पहले हो। इसके साथ ही बहुत से लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि मुस्लिम लोगों ने मक्का में शिवजी को कैद करके रखा है।
और जब कोई हिंदू वहां जाकर दूध या फिर गंगा जल चढ़ा दे तो शिव जी आजाद हो जाएंगे और इस्लाम का अंत हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें कोई शख्स काबा पर दूध फेंकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है इसके बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि एक खुदा दूसरे खुदा के घर पर कभी भी कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि हम चाहे किसी भी धर्म को मानते हो लेकिन खुदा सबका एक ही है, तो अपने ही घर पर कोई खुदा कैसे कब्जा कर सकता है जबकि वो उसका अपना ही घर है। इसलिए इन सब बातों से दूर रहने की कोशिश करें, इन पर ध्यान ना दें, खुश रहें, मस्त रहें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।